सिंह साहब ने बहुत गंभीर चर्चा की है, इसके मूल कारणों पर बात करना चाहूंगा। मंचस्थ सम्मानित अग्रज, राष्ट्र की स्थिति से चिंतित बंधुओं, मातृशक्ति, आरएसएन सिंह साहब ने जो बातचीत की वो बड़ी गंभीर और बड़े विस्तार से, उसके मूल पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। कुछ उदाहरणों से बात करता हूँ। अभी हाल में उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, उनका दोष कुछ लोगों की दृष्टि में यह था कि उन्होंने अपने फेसबुक पर मित्र ये सब कृपया डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं इस मामले में बहुत पहले भी आपसे विनती कर चुका हूं कि कृपया ये सब मत कीजिए। स्टेटस लगाया, उनके लिए ये गड़बड़ झाले का मामला था। रियाज ने, अख्तर ने उनकी हत्या की और उसके बाद दो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज रिलीज किए। उस वीडियो में एक जगह वो सेक्टर 11 का जिक्र कर रहे हैं, वो सेक्टर 11 मैं हूं जिसका नंबर लेना है उन्हें। वो कह रहे हैं कि हमने शुरू कर दिया, ढेर लगा दो। दो तीन वर्ष पुरानी घटना श्रीलंका की, ईस्टर के मौके पे दो सगे भाइयों ने अपने बदन पर बम बांध के 5-स्टार होटलों में धमाके किए, सैकड़ों लोग मार दिए। तकरीबन 10,000 करोड़ का व्यापार था इन दोनों भाइयों का। इनके पिता को प्रधानमंत्री कार्यालय में जाने के लिए केवल फोन करने की जरूरत थी, यानी आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं है, धन संपन्न सब प्रकार से। पुलिस ने छापा मारा इनके घर पर, उनकी पत्नी, एक विवाहित था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसने वहां अपने अजन्मे शिशु के साथ अपने आप को विस्फोट से उड़ा लिया। 5-7-10 लोग उसमें मारे गए। नाइजीरिया में बोको हराम, बोको मतलब पाश्चात्य सभ्यता, हराम एक संगठन है, उसने क्रिश्चियन मिशन के हॉस्टल पर हमला किया। 5वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी उसमें रहते थे, उसमें आग लगा दी। जो लोग कूद कूद के भागे उन्हें कुल्हाड़ों से और छुनों से काट डाला, बाकी लोग जलकर मर गए। 9/11 एक और घटना, चर्चित घटना, केवल 22 लोग और $1 लाख, बस। मानसिकता इसको समझें, वो कुछ लोग फ्रांस आए, कुछ लोग जर्मनी आए, कुछ लोग ब्रिटेन आए, ये 22 लोग। वहां उन्होंने बोइंग उड़ाना को बैलगाड़ी चलाना या साइकिल चलाना नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद फाइनल ट्रेनिंग के लिए वो अमेरिका आए, कुछ महीने वहां रहे, ट्रेन किया अपने आप को, और एक वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने 4 प्लेन हाईजैक किए। अमेरिका में कोई बड़े पैमाने पर विस्फोटक लाना संभव नहीं, तो इसके लिए योजना बनाई, प्लेन के दोनों पंखों में पेट्रोल रहता है, उससे ट्विन टावर टकरा दिए, उस पर ट्विन टावरों पर दे मारा, बहुत हाई हीट जनरेट हुई, नतीजे में जो गर्डर्स थे, जो सरिया लगा था वो पिघल गया, कंक्रीट अपने वजन से गिरा, 4,000 के आसपास लोग मारे गए। ये लोग जिन्होंने ये काम किया, महीनों के हिसाब से अमेरिका में रहे, दोस्त भी बनाए होंगे, रेस्टोरेंट्स भी गए होंगे, वॉक के लिए भी निकले होंगे, मगर एक दिमाग बिल्कुल स्पष्ट था कि लक्ष्य ये है, जीवन का लक्ष्य उन्होंने तय किया। टेम्स पर ये घटना हुई लंदन में, 3 लोगों ने एक गाड़ी किराए पर ली और लोगों के ऊपर चढ़ा दी, मारा, फिर आगे जाकर वो गाड़ी टकरा के गिर गई तो छुरे निकालकर झपटे और दसियों लोगों के कत्ल किए। लोग
अरबी नहीं समझेंगे, अल्लाह अकबर नहीं समझेंगे, तो साथ में इन द नेम ऑफ अल्लाह कह के उन्होंने लोगों को मारा। वहां की पुलिस ने तीनों को चटका दिया। एक सभ्य समाज की एक व्यवस्था है, सभ्य समाज में अपने प्राण बचाने के अलावा जान लेने का अधिकार किसी को नहीं होता। इसके लिए तटस्थ न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका इसका निर्णय करती है। अगर कोई व्यक्ति इतना हिंसक है, इतना दुष्ट है कि उसके कारण समाज को हानि होती है, तो उस पर पुलिस मुकदमा चलाएगी, सेशन से उसको फांसी की सजा होगी, उसके बाद हाई कोर्ट में केस जाएगा, वो नहीं ले जाना चाहेगा तब भी जाएगा, उसको सरकारी वकील मिलेगा, सरकार वकील देगी, मुकदमा लड़ा जाएगा, फिर उसके बाद उसका केस हाई कोर्ट जाएगा, वहां से भी उसको मृत्युदंड मिलेगा, तो उसके बाद उसका केस राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए जाएगा। इन चारों जगहों से यह तय होने के बाद फांसी दी जाती है। यह घटना इतनी विरल है कि मेरठ के दो जल्लाद थे, इकबाल मसीह, तारा मसीह, ये तकरीबन 15 साल पहले बाप बेटे मर गए। भारत में अब कोई जल्लाद नहीं है, एक भी जल्लाद नहीं है। अभी कुछ समय पहले जो मुंबई में घटना हुई थी, मेनन को, याकूब मेनन को फांसी दी गई थी, तो एक पुलिस वाले को तैयार किया गया था। ब्रिटिश पीरियड की एक रचना है, व्यवस्था है कि जल्लाद को पता है कि वो जिसको हैंग कर रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसके हाथ बिल्कुल साफ हैं। उसके बावजूद ये ब्रिटिश व्यवस्था है कि जल्लाद के लिए शराब का कोटा होता है, उसको फांसी देने से पहले नशे में लाना आवश्यक माना जाता है। ये आज भी व्यवस्था है। आप कल्पना करें उस मानस की कि जिसको कभी देखा नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं, जिससे जिसका चेहरा नहीं पहचानते, जिससे कोई शत्रुता नहीं, उन लोगों को मारने के लिए ये लोग उतारू हैं। ये बहुत गंभीर बात है। इसकी मानसिकता को नहीं समझेंगे तो इससे निपटा नहीं जा सकता। और ये कोई नई बात नहीं है, 1500 वर्षों से यह हो रहा है। काब बिन अशरफ मोहम्मद के साथ के लोगों उसको मारा गया। अस्मा बिनते मर्दमान, उसने मोहम्मद की शायरी पर की, ये क्या कुरान एंडिंग बैंडिंग बातें करता है, उसका कत्ल किया गया, उसके पैरों में रस्सी बांध के उसको चीर दिया गया। ऐसी दसों घटनाएं हैं। मंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह के 6 और 9 साल के बच्चे जिंदा दीवार में चुन रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि मुसलमान बन जाओ। धन्य है ये लोग। छोटा बच्चा पूछता है कि मुसलमान बन जाएंगे तो क्या मरेंगे? नहीं, जिंदा दीवार में चुन दिया गया। पूज्य राम सीताराम गोयल जी की दो खंडों में किताब है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा, इस्लामिक एविडेंसेस। इस्लामियों ने जो लिखा है, बादशाहों ने, सिपहसालारों ने, सूफियों ने, वजीरों ने, नवाबों ने, जो उन्होंने किया है भारत के साथ, हिंदुओं के साथ, मुशरिकों के साथ, काफिरों के साथ, उसका इस्लामी जो लिख रहे हैं वो सारी बातें हैं। 1300 वर्षों से इस देश में हो रहा है। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण, जिसे हम सिंध पर आक्रमण कहते हैं, चचनामा का हिंदी अनुवाद हो गया है, शायद 3-4-5 महीने में किताब आने वाली है, उन्होंने उसको हिंद पर आक्रमण लिखा है। मंदिर तोड़े, बुतखाने ढाए, मूर्तियां तोड़ी, काफिरों को मारा, काफिरों के मुंह में गाय का गोश्त डाला, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, यहां से लड़कियां उठाई वगैरह वगैरह, ये सारे काम हुए। इसका कारण क्या है, इस पर थोड़ी सी मोहम्मद के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी। 1500 बरस पहले सऊदी अरब में एक पुजारी परिवार में, कुरैश पुजारी थे, मक्का में विभिन्न प्रकार के देवता थे, देवियां थीं, यहूदी भी थे उसमें, ईसाई देवी देवता भी थे, उनकी पूजा होती थी, उनकी व्यवस्था करते थे कुरैश। उनके परिवार में मोहम्मद का जन्म हुआ। 40 वर्ष की उम्र में उसने घोषणा की कि वो पैगंबर है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेसिकली वहाँ का एक देवता है, अल्लाह, अब वो अकेला है, उसमें कोई सम्मिलित नहीं है, मैं उसका पैगंबर हूँ। तौहीद इसको कहते हैं, नमाज उसकी
उपासना, रोजा, जकात और हज, ये पांच नियम बनाए। अब इसकी सत्यता कैसे तय हो? कोई व्यक्ति आपकी गली का, कोई बाहर से आता है, मैं बाहर से आया हूं, कोई बड़ा दावा करूं तो आप सोचेंगे हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, मगर गली मोहल्ले का आपका लड़का जो आपके सामने बड़ा हुआ है और वो कोई ऐसा बड़ा दावा करे कि मैं पैगंबर हूं, कौन मान लेगा? तर्क से बात करेंगे। इसको तय कैसे किया जाए, तो इसके बारे में कुछ घटनाएं बताता हूं कि ये इस्लाम है क्या। इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है, मोहम्मदनिज्म इसको कहते हैं, मोहम्मद का किया धरा अपनी जिंदगी में उतारना, लगातार वो काम करना जो मोहम्मद ने किए, यानी प्रत्येक मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो 10% 20% 50% 100% मोहम्मद बने। जो 100% वाले हैं वो अलकायदा के लोग हैं, आइसिस के लोग हैं, दाइश के लोग हैं, बोको हराम के लोग हैं, तालिबान के लोग हैं, हरकतुल अंसार वगैरह वगैरह, लब्बैक जिसकी तहरीक लब्बैक की बात कर रहे थे, ये सारे लोग वो हैं जो 100% मोहम्मद, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं जो मोहम्मद का जीवन है। मैं दो तीन घटनाओं से और बात करना चाहूंगा। ये हैदराबाद की घटना है, कोई 25-26 साल पुरानी। उस समय इंडियन लाइंस ऑपरेट करती थी मिडिल ईस्ट में, एयर इंडिया के अलावा इंडियन लाइंस भी मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करती रही है। एक 9-10 साल की लड़की बैठी थी, उसके बगल में कोई 65 साल का शेख बैठा था, वो रो रही थी। तो एयर होस्टेस ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो शेख ने एतराज़ जताया कि मेरी बीवी है। एक आम बेवकूफ़ हिंदू की तरह उसकी समझ में नहीं आया कि ये 9-10-11 साल की लड़की का 65 साल का शौहर कैसे हो सकता है। उसने पुलिस बुला ली, उसको उतार लिया गया, बड़ा अखबारों में हंगामा आया था। ये 2-3 दिन तक चर्चा होती रही इस बात की, मगर इसका नहीं लोगों को ध्यान कि वो 3 दिन के बाद शेख अपनी बीवी को लेकर चला गया। ये मोहम्मद की हदीस है, मोहम्मद का अपना किया हुआ काम है। मोहम्मद ने 51 या 52 बरस की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की थी। आयशा का पिता अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद से 2 साल छोटा था। कल्पना कर सकते हैं आप उस मानस की कि 6 साल की बच्ची के प्रति किसी की, क्योंकि इस्लामी सिस्टम है कि पुरुष पैगाम देता है, 6 साल की बच्ची से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूं जिसका बाप 2 साल छोटा है। एक और घटना, इमराना, मुजफ्फरनगर को सर्च कीजिए, इमराना ऑफ मुजफ्फरनगर आसानी से मिल जाएगा। इमराना ने सुबह बताया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया है रात में। तुरंत पंचायत हुई, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, खानदान के लोग आ गए, देवबंदी मुल्ला आ गए और सारे दिन पंचायत चली। पर शाम में फैसला ये हुआ कि तू अपने शौहर पर हराम है, अब तेरा मजाजी खुदा तेरा ससुर होगा, जिसने रेप करा अब ये तेरा शौहर बनेगा। कोई एक व्यक्ति ऐसी बात करे तो आप कहेंगे गधा है, दिमाग खराब है, पागल हो गया, पूरी पंचायत मुल्ला पार्टी क्यों? ये मोहम्मद की सुन्नत है। मोहम्मद ने खुद अपने गोद लिए हुए बेटे जैद की बीवी को के साथ निकाह किया था, जैद ने निकाह उसने तलाक दे दिया, और ये सामान्य तलाक नहीं है। जैनब कल तक उसकी पत्नी थी, उसके साथ उसके यौन व्यवहार थे, उसके साथ लड़ना झगड़ना प्यार मनोहार सारे संबंध थे। आज एकदम से वो तलाक हो गया और उसकी मां बन गई। जिसके साथ ये सारा व्यवहार है इसके साथ अब मां का व्यवहार चलना है, वो छोड़कर जैद नहीं गया। ये मोहम्मद की सुन्नत है। ऐसी घटनाएं लोगों को समझना चाहिए। हमको पाकिस्तान पर जब भारत बटा था 1947 में, झूठे आंकड़े हैं चूंकि जो स्टेट्स हैं उनके आंकड़े नहीं हैं, बहावलपुर का कोई आंकड़ा नहीं है जनसंख्या का, या जो वहां और इस्लामी रियासतें थी उनका आंकड़ा नहीं, बल्कि यहां तक हुआ है कि सोढ़ा हिंदू राजपूत सिंध में चले गए और अपनी मर्जी से गए। कोई किसी ने कोई इस्लामी दबाव नहीं था, हिंदू रियासतें गई हैं, क्या हाल होगा? तो उनके आंकड़े नहीं है, फिर भी अनुमान है कि 13 से 20% हिंदू थे। आज पाकिस्तान में 1% हिंदू बचा है। बांग्लादेश 47 में 30% से अधिक हिंदू थे, आज 7% हिंदू हैं। इसका मतलब 4 करोड़ हिंदू मार डाले गए जिस जमाने में ओलंपिक हो रहे हैं,
जिस जमाने में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, हम बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारे 4 करोड़ भाई मार दिए गए या मुसलमान बना लिए गए या निकाल के बाहर कर दिए गए। ये बेसिकली मोहम्मद की सुन्नत है। जो कुछ वो कर रहे हैं वो मोहम्मद का लाइफस्टाइल है, उसका काम कर रहे हैं। अब हम इसको कैसे समझें, कैसे चैलेंज करें, मैं एक वाकया बताता हूं। मोहम्मद का शबे मेराज का नाम सुना होगा, यहां भी मुल्ला पार्टी है कि जिस दिन मोहम्मद जन्नत में अल्लाह मियां से मिलने गए थे, उस मेराज की रात, उस दिन बड़ी आतिशबाजियां वगैरह होती हैं। मोहम्मद को, इस्लाम को समझिए। एक बहुत आसानी से मिलने वाली किताब है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना। अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है, उर्दू में उपलब्ध है, अरबी में उपलब्ध है, बंगला में उपलब्ध है, मराठी वगैरह वगैरह, हर तकरीबन सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसको पढ़िए, ऑथेंटिक किताब है, PhD है बिल्कुल। किसी के पास ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। मोहम्मद जब मेराज से लौट रहे हैं तो जन्नत देखी है उन्होंने। जन्नत में एक ऐसे फरिश्ते से मुलाकात हुई मोहम्मद की जो आधा बर्फ का है और आधा आग का है। कल्पना करें उस मानस की कि जिसने आधा बर्फ का और आधा आग का फरिश्ता सोचा। आखिर ये फरिश्ता आधा आग का बर्फ, आधा बर्फ का, इसका क्या होगा, ये किस काम आएगा? एक ऐसे फरिश्ते से मुलाकात हुई जिसके 70,000 चेहरे हैं। कैलकुलेटर हो किसी के पास तो काउंट कर लीजिए, ये बाद में कीजिएगा। 70,000 चेहरे हैं, हर चेहरे पर फरिश्ते के 70,000 मुंह हैं, हर मुंह के अंदर 70,000 जबान हैं, और हर जबान से 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो अल्लाह की प्रशंसा कर रहा है। 70,000 × 70,000 × 70,000 × 70,000, ये काउंट कैसे हुआ होगा? वो कैलकुलेटर तो नहीं कर सकता, उसके बस का नहीं। ऐसी विक्षिप्तता की जिसकी मानसिकता हो, वो सारी दुनिया के जीवने मरने को तय कर रहे हैं, 1500 वर्ष से तय कर रहे हैं। पिछले 10 साल में दुनिया में 20,000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, एक आध जगह नहीं है। मनुष्य स्वभाव से, जो मानव का स्वभाव है, वो उद्दंड है। आप सब घर में बच्चों को पालते होंगे, बड़े करते होंगे, जो ताकतवर बच्चा है वो छोटे वाले के पैर छुबोएगा, बाल खींचेगा, घूंसा मारेगा, कुत्ता बैठा होगा तो उसकी पूंछ खींचेगा, लात मारेगा, ये सामान्य मनुष्य का स्वभाव है। शिक्षक, माता पिता उसको रास्ते पर लाते हैं। उद्दंडता को यदि मजहब का आधार मिल जाए तो ये लीथल हो जाएगा, और 1500 वर्ष से ये लीथल है। दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए विश्व में कहीं कोई बात ही नहीं है। 300 साल तक क्रूसेड लड़े क्रिश्चियनिटी ने, समस्या जिस कारण थी उसका कोई ध्यान नहीं। यरूशलम के लिए लड़ाइयां हो रही हैं मगर जो मूल समस्या है उसका कोई ध्यान नहीं। 9/11 हुआ, अमेरिका अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ा, लाखों की तादाद में लोग मार दिए, अफगानिस्तान तकरीबन बिल्कुल वीरान कर दिया, समस्या का समाधान हुआ? ISIS क्रिएट हो गया, बोको हराम आ गया, दाइश आ गया, फलाना आ गया, क्योंकि समस्या की जड़ अफगानिस्तान नहीं है, समस्या की जड़ वो कुफर और ईमान का चिंतन है, कुरान है इसकी जड़, यहां से है सारी समस्या। इसको मानने वाले जो लोग हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, जकात, हज, ये मानने वाले दारुल इस्लाम कहलाएगा, इस्लामी। और दारुल इस्लाम का मतलब संख्या का मामला नहीं है, वर्चस्व स्थिति, प्रभावी स्थिति। भारत में कभी भी इस्लाम संख्या बल के रूप में, आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत के मुसलमान मिला दिए जाएं और हिंदू मिला लिए जाएं तो भी मुसलमान संख्या में अधिक नहीं है। मामला वर्चस्व का है, ताकत का है, आधिपत्य का है, कि मुसलमान गैर मुस्लिमों से जजिया ले सकते हैं। जजिया को सामान्य टैक्स मत मानिएगा, जजिया के नियम हैं, देने वाला बैठा होगा, लेने वाला खड़ा रहेगा, हाथ बढ़ा कर लिया जाएगा, जजिया उठा कर लिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा, हाथ पर थूका जाएगा, जलील किया जाएगा, जो सबसे गरीब है सबसे अधिक जजिया उसका,
जो सबसे पैसे वाला है उसको सबसे जजिया कम, वजह कि दबाव क्रिएट करके उसको मुसलमान बनाना है। इसके साथ जब ये मानसिकता जुड़ जाती है, मजहब जुड़ जाता है और हम चुनौती नहीं देते, तो इसके बड़े भयानक परिणाम आते हैं। भारत में दो तीन घटनाएं हुई हैं बड़ी, उन पर बात करूंगा मैं। ब्रिटिश पीरियड था, मालवा से, महाराष्ट्र से जो लोग मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार आ रहे थे, हजारों की तादाद में गायब होने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोग घर से निकलते थे तो अपने सारे संबंधियों से मिलकर आते थे कि पता नहीं जीवित लौटें कि नहीं लौटें। कर्नल स्लीमैन जबलपुर का कलेक्टर था, उसको ये काम सौंपा गया। उसने मुखबिरों का जाल फैलाया, फिरंगिया नाम का एक ठगों का सरदार उसने तोड़ लिया और उसने सारी जानकारियां दी। ध्यान रहे, ठग सारे मुसलमान थे। भारत में तो नैरेटिव ऐसे सेट किए जाते हैं जैसे पिंडारियों पर फिल्म बनी थी, वो क्या नाम उसका, मिथुन चक्रवर्ती और कौन सी, जो भी उसका नाम हो, पिंडारी सारे अफगानिस्तान के मुसलमान पठान थे, उनमें एक भी हिंदू नहीं था। पिक्चर ऐसी बनाई गई कि सारा का सारा नैरेटिव बदल दिया गया। ठग मुसलमान थे। ठगों ने जब मुकदमा चला उन पर, तो उन्होंने ये कहा कि हम मारते नहीं, हम काली जी के उपासक हैं, हम बलि देते हैं। मुसलमानों ने हम काली जी की बलि देते हैं। अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, सबके सरदार हैंग किए गए, सैकड़ों लोगों को फांसी हुई, ठगों का उन्मूलन हुआ। आप उस मानसिकता को कैसे छोड़ सकते हैं जो पूरे संसार से युद्ध मानती है कि इसको मानने वाले, तौहीद नमाज रोजा जकात को मानने वाले लोग, हज को मानने वाले लोग दारुल इस्लाम हैं, और दारुल इस्लाम के अलावा जो हिस्सा है, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 150-160 करोड़ ही तो मुसलमान हैं, बाकी सारी संख्या तो गैर मुस्लिमों की है। ये दारुल हरब है। दारुल हरब का मतलब युद्ध क्षेत्र, मानसिक रूप से कि उस क्षेत्र के लोगों को खींच के, फाड़ के, तोड़ के, लड़की दे के, पैसा दे के, जैसे भी हो, इस्लाम के क्षेत्र में लाना है, उसको युद्ध क्षेत्र मानती है। ऐसी मानसिकता से निपटना है तो सबसे पहले तो जो जरूरी चीज है कि आप इसको समझें। इस्लाम के बारे में लोगों को कहां जानकारी है? कुरान के अंदर है कि एक आदमी की गवाही के बदले औरतों की गवाही लेनी है तो दो औरतों की गवाही ली जाए, कुरान में आयत है। ये बड़ी सामान्य चीज लगे, अच्छा ठीक है, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ये गंभीर विषय है। दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर। खलीफा हारून अल रशीद जब खलीफा बना तो उसका मन अपने महल की एक बांदी पे आया। ये सब डॉक्यूमेंटेड का सब चीजें लिखी है। उसने उसे बुलवाया तो बांदी ने कहा कि मैं आपके पिता के साथ रह चुकी हूं, मेरा दर्जा आपकी मां का है। खलीफा उसके इश्क में इतना गिरफ्तार था कि बीमार पड़ गया। वजीरों को चिंता हुई तो उन्होंने मुफ्ती से बात की। मुफ्ती ने कहा मैं फतवा दे दूंगा, 1,00,000 दीनार लूंगा। खलीफा से कहा गया कि 1,00,000 दीनार में फतवा मिल रहा है, उनका बुलवा लो। बुला लिया गया। मुफ्ती ने उस बांदी को बुलाया, उससे पूछा कि जब तुम इनके वालिद के साथ, इनके पिता के साथ थी, उस वक्त का कोई गवाह है? तो खलीफा किसी लेडी के साथ अपने बेडरूम में होगा तो किसी की मौत आई जो वहां पहुंचेगा? कोई गवाह नहीं था। इस आयत से रास्ता खुला अपनी मां के दर्जे के साथ, के औरत के साथ खलीफा के यौन संबंध बनने का। एक और घटना तालिबान का पिछला काल, एक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट, थाने में रिपोर्ट की कि मेरे साथ इन चार लोगों ने रेप किया है। मेडिकल हुआ, रेप पुष्ट हुआ। अब सवाल आया गवाह का। इस्लामी कानून है कि ऐसे केस में चार गवाह चाहिए, तो चार रेप करने वाले, एक रेप होने वाली और चार गवाह, यानी 9 लोग हों, पूरा पंचायत किसी चौराहे पे इसका काम हो तब ये मुमकिन है, वैसे हो नहीं सकता। कोई गवाह नहीं मिला।
उन चारों लोगों को बरी कर दिया गया और वो औरत बदचलन बनाकर संसार की गई, पत्थर मार मार किसको मार दिया गया। कुरान की इस आयत का ये नतीजा निकलता है। मगर सभ्य समाज इस बात को जानता है क्या? किसी मुसलमान से मिलिए, वो हमेशा तुरंत शुरू कर देगा, अल्लाह ने यूं किया और मोहम्मद ने यूं किया और औरतों के हुकूक बहाल किए, फलाना ढमाका, फौरन फारसी बोलने लगते हैं। उनको चुनौती देने की स्थिति हमारी, क्योंकि इस मानसिकता को बदलना ही तो हल है। अलहजर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मिस्र की, उसके फतवे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वर्ड ऑफ फतवास अरुण शौरी साहब की एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, हिंदी में भी उपलब्ध है फतवे, मुल्ला और उसकी दुनिया या ऐसा कुछ इस्लामी लीडरशिप और उसकी दुनिया नाम है। इस किताब को पढ़िए, आपको पता लगना चाहिए कि सच क्या है। समुंदर में एक लड़की, पाकिस्तान की फैमिली नहा रही थी, लड़की डूबने लगी, कोस्ट गार्ड वहां मौजूद थे, वो भागे उसको बचाने के लिए, तो उसके पिता ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, तुम नामहरम हो, तुम मेरी बेटी को नहीं बचा सकते। वो लड़की डूब के मर गई। इसकी जिम्मेदारी उसके बाप पर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी इस्लाम पर है, जिसने महरम और नामहरम का झगड़ा सिखाया। मगर भारत वो देश है जहां, जिसको ये यश है कि यहां सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया, जिसके 14वें खंड में इस्लाम का भरपूर खंडन है। मगर हमें यह पता ही नहीं है कि सत्यार्थ प्रकाश क्या है। मुगालिब का शागिर्द था ये अल्ताफ हुसैन हाली, बहुत मशहूर मुसद्दस है उसकी, उसके कुछ मिसरे में पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, मोहम्मद के दीन का बेबाक ब्लंट बोल्ड तेजस्वी बेड़ा, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, जो सारे संसार में गया, मजाम हुआ कोई खतरा ना जिसको, जिसे कोई संकट नहीं भाए, न कुलजुम में ठिटका, न पैसिफिक ओशन में ठिटका, न अम्मा में झिझका, किए पै सिफर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। कारण कि भारत के इस्लाम की शक्ल अरबी इस्लाम से बहुत भिन्न है, मगर वो अरबी इस्लाम बनने की दिशा में अग्रसर है। इसकी जिम्मेदारी हम पर है। आप कल्पना करें उस मानसिकता की, इस्लामी ये मानते हैं, इस्लाम की धारणा है, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो, फिसाद फिल अर्ज, अर्ज मतलब धरती, फिसाद धरती पर फसाद। हम जिस गैलेक्सी में हैं, इसमें 200 ट्रिलियन तारे हैं, कोई गणना कर ही नहीं सकता, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, और असंख्य ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, कि कितनी है इसकी कोई गणना संभव नहीं है। इस्लाम कल्पना करता है कि इतनी बड़ी धरती, विश्व ब्रह्मांड इतना असीम जिसका विस्तार है, उसके रचयिता ने एक टुइया सी, इतनी टुइया सी धरती बनाई जिस पर मोहम्मद को पैदा करना था। सृष्टि का उद्देश्य मोहम्मद को पैदा करना है। जिसने इतना विस्तार किया, उसकी इस बौड़ो मानसिकता की सीमा कि वो ये मानते हैं कि इतनी छोटी सी धरती बनाई गई मोहम्मद, और ये धरती स्तब्ध है, फ्लैट है और रुकी हुई है। इस पर 3 खंडों में किताब लिखी है बरेलवी ने, जो अली रजा है, इसने 3 खंडों में किताब लिखी है, सैकड़ों तर्क दिए हैं, और सबसे बड़ा तर्क यह है, चूंकि मुस्तफा इस पर सोए हैं, इसलिए इसके अदब में सांस रोके हाथ बांधे खड़ी है। आप जो इस्लामी आपको तबलीग करते हैं, मैं बॉम्बे में था तो एक साहब ने मुझे नाश्ते पर बुलाया, ताज के बिल्कुल बगल में ठहरा हुआ था, वहां एक जिमखाना है, वहां तो हम बैठे हुए थे, तो एक साहब आए टेनिस खेल के, तौलिया रगड़ते हुए कमर पे अपनी, तो उन्होंने बताया तो फैल चतुर्वेदी साहब हैं, शायर हैं। अरे साहब सलाम, और ये वो लिपट गए मेरे, और बोले साहब आपसे मुलाकात करके बड़ा जी खुश हुआ, आप उर्दू के आदमी हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए यूं किया और यूं किया, और औरतों के हुक वगैरह। मैंने पकड़ बैठा लिया, तशरीफ़ रखें। बोले फरमाए, मैंने कहा
मोहम्मद साहब की जो चहीती बीवी थी उनकी उम्र क्या थी, वो समझ गया कि अब गच्चे में आ गया, बोला मैं चलता हूँ। मैंने नहीं 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 आप तबलीग फरमाएं, मुझे समझाएं कि मोहम्मद की जो चहीती बीवी है, और इसकी बड़ी डिफरेंट जानकारियाँ हैं। बुखारी में 13 बीवियों का जिक्र मिलता है और कई किताबों में 60 बीवियों का जिक्र है, 70 बीवियों का जिक्र है। जो सबसे लाडली बीवी हैं वो आयशा हैं, जब 6 बरस की उम्र में शादी हुई थी और 3 बरस बाद जब वो 9 साल की हुई और आप 54 या 55 के हुए तो आपने हम बिस्तरी फरमाई, उनके साथ रिलेशन मैरिज कंज्यूमेट हुई। आप कल्पना कर सकते हैं 54-55 वर्ष के अपने में से किसी, या इस्लामी जो मोहम्मद का के सुन्नत को मानना फर्ज है उसके बारे में, उसकी 6 साल की बेटी को कोई 55-54 वर्ष का या 51 वर्ष का आदमी अप्रोच करेगा और ये कहेगा मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, क्या गुजरेगी उस पर? चप्पल निकाल के भुसनी भर देगा उसका? यही वो पेच है जिससे इस्लामी चिंतित हैं कि भारत का इस्लाम अभी अरबी इस्लाम नहीं बना है। पुत्र वधू के बारे में हमारी धारणा कि भाई बेटी है वो, वही उनके अंदर भी है, मगर ये लगातार बदल रहा है। इस्लाम की मांग ये साम्राज्यवादी हैं, वो न केवल अपने लिए नियम तय करता है बल्कि आपके लिए भी नियम तय करना चाहता है। फ्रांस की पत्रिका ने मोहम्मद के कार्टून बनाए तो कोई नया काम नहीं किया, वहां पोप के, किंग के, प्राइम मिनिस्टर के, इसके उसके कार्टून बनाने की सदियों की परंपरा है, वो रेगुलर वे है। आपको ये पसंद नहीं है, आप फ्रांस में क्या कर रहे हैं, क्यों है? उनका एक लाइफस्टाइल है, आप उस लाइफस्टाइल में दाखिल हुए हैं। आप दिन में 5 बार कहेंगे नहीं है अल्लाह के सिवा कोई पूजे, यानी सारे झूठे ईश्वर हैं, सारे झूठे खुदा हैं। आप 5 बार लोगों को कोसेंगे, ये आपका हक है। आप सबकी आलोचना करेंगे मगर आप आलोचना से परे, 2 में से 1 बात हो जाए, या तो कोई किसी की आलोचना ना करे, ना आप कहिए ना हम करें। अगर ऐसा नहीं है तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, मगर उनके गले काट दिए। कोई साहब आप कोशिश कीजिएगा, बाद में बैठ के इंटरनेट पर डालिएगा पेंटिंग्स ऑफ मोहम्मद, सैकड़ों पेंटिंग्स निकल के आएंगी जो इस्लामी काल में बनी है। ईरान में मोहम्मद की, अली की, हसन की, हुसैन की पेंटिंग फोटो ऐसे ही है जैसे भारत में त्रयी होती है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की, सामान्य मेरे पास है, मैंने मंगाई ईरान से। मगर वो चाहते हैं कि आप भी उनके ढंग से सोचें, आप अपनी अपने लिए आप जो नियम है वो तो है ही, मगर दूसरे के नियम भी तय करेंगे। आप हलाल गोश्त नहीं खाएंगे, झटका आपको नहीं पसंद, क्यों? आपको किसी ने बुलाया है फ्रांस में या इंग्लैंड में या जर्मनी में कि आप ये लाइफस्टाइल बरतिए? आपकी जो मर्जी आ करें, आप अपने देश में जहां पर शरिया है वहां रहें, जहां बुरका है वहां रहें, मगर आप दूसरे क्षेत्रों पर, इराक से लोग उजड़े, यमन से लोग उजड़े, सीरिया से लोग उजड़े, सबसे आसान काम था बगल में ईरान था, वहां चले जाते। सऊदी अरब में हर समय 6 लाख एयर कंडीशन टेंट, जिस टेंट में 6 लोग आ सकते हैं, यानी 36 लाख लोगों को तो तुरंत व्यवस्था मिल सकती है, ये स्थाई हैं। एक भी नहीं गया, न किसी ने बुलाया, कारण कि मुसलमान उठ के जिक्र जाएगा तो वो लैंड जिहाद करेगा, यूरोप जाएगा, अपनी संख्या बनाएगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। मैं आज यहां संगठन के लोग हैं मेरे साथ के, मैं थोड़ी सी संगठन पर भी बात करना चाहूंगा। ये बड़ी सामान्य बात है, लोग कहते हैं हिंदुओं की समस्या संगठन न होना है, भारत की समस्या संगठन न होना है, ये बात सिरे से गलत है। भारत की समस्या हिंदू संगठन न होना या होना नहीं है, जितने माने में हम संगठित हैं इस्लामी इससे अधिक संगठित नहीं है, ईसाई इससे अधिक संगठित नहीं है। बेसिकली इस बात का मतलब क्या है कि संगठन चाहिए कि आप उनके भाषण सुनिए, उनके कार्यक्रम में आइए, उनको चंदा दीजिए, उनके मेंबर बन जाइए, ये इस्लाम की समस्या नहीं है। पंजाब का आखिरी सबसे बड़ा तेजस्वी राजा रणजीत सिंह, जिसका पाकिस्तान वाले पंजाब
अफगानिस्तान का अच्छा खासा नीचे का पूरा हिस्सा, हिमाचल के इलाके, हरियाणा पूरा का पूरा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, ये सारा क्षेत्र उसका पंजाब था। वो एक सुबह घोषणा कर दे कि अगले एक महीने के अंदर मेरे राज्य का प्रत्येक मुसलमान या तो हिंदू बन जाए या राज्य छोड़ दे, अन्यथा दंडित करूंगा। ऐसा होता तो क्या 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता? समस्या संख्या है, हमारी प्रजा, हमारा समाज धर्मांतरित हो गया। इस्लाम किसी के साथ नहीं रहता, उसका स्वभाव वो नहीं जिएगा, वो वर्चस्वी मानसिकता वाला है। तो उसको, उसकी संख्या कम करना एकमात्र इलाज है। इस संख्या को कैसे कम कर सकते हैं, ये आपके पौरुष पर है। मैं इस समस्या के अब समाधान की ओर थोड़ी सी बात करता हूं। आपको यह असंभव लगेगा कि यह नहीं हो पाएगा। कल्पना करें उस मानस की जो 712 ईस्वी में जिसने सिंध पर आक्रमण किया, ये 21वां आक्रमण था, 20 बार काट के डाल दिए गए थे, सब मार दिए गए थे, सब भगा दिए गए थे, फिर भी लगातार आते रहे। 21वां आक्रमण सफल हुआ, वो आक्रमण भी 50 साल टिका, उसके बाद वो सब फिर मार के भगा दिए गए। चूक क्या हुई कि जिन्हों को गौ मांस खिलाकर भ्रष्ट कर दिया गया था, मुसलमान बना दिया गया था, उनको हिंदू समाज ने तिरस्कृत कर दिया, छोड़ दिया। वही लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ी और आज देवल यानी कराची हमारे पास नहीं है। पंजाब पूरा निकल गया। पंजाब वो धरती है जहां वेदों का संकलन हुआ है, हमारे पूर्वजों की नाल गड़ी है जहां। इसको वापस चाहिए कि नहीं? तो इसको वापस लेने का तरीका क्या है? संख्या कम करना। तो इसके लिए जो ठंडा है, खिचड़ी में बीच में हाथ नहीं डाला जाता, उंगली जल जाती है, किनारे से खाई जाती है। प्रत्येक हिंदू ये लक्ष्य मानकर चले, जिम्मेदारी के साथ, आपका सबका काम, आपका धन, यश, वैभव, पौरुष, जो कुछ आपके पास है, दो लोगों को शुद्ध कीजिए, दो लोगों की संख्या कम कीजिए। इस्लामी भगवतियां तैयार हैं, हम लोग हफ्ते में दो तीन शुद्धियां करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहजता से होता है। मगर लक्ष्य मान लीजिए कि मेरे जीवन का, मेरे दो बेटे हैं, नहीं मेरे तीन हैं या चार हैं, इन चार के लिए मैं अपने सारे क्षमताओं को लगाऊंगा। दो लोगों को शुद्ध करना है, यह काम करना ही करना है। यहां संख्या कम है, इस्लामियों के साथ मजाक उड़ाना, तंग करना, इससे बात नहीं बनेगी। सब्जी वाला आ गया, उसके धमका दे, भाग तेरी तो यहां से निकल जा, फल नहीं बेचने देंगे, इससे हल होगा क्या? इस्लाम से नहीं निपटा जा रहा है, मुसलमान से लड़ रहे हैं। जिसके 4-5-6 पीढ़ी पहले पूर्वज, हो सकता है कि ये जो ओवैसी है 15 पीढ़ी पहले इसके दादा और मेरे दादा सगे भाई हों, ये हमारे डार से बिछड़ा है। डार से बिछड़ा परिंदा किसी पेड़ पर जाके बैठ गया तो उसको दुत्कारेंगे? इसको वापस लाना है, इसको अपना बनाना है। दबाव जरूर चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, मगर उस दबाव के साथ परिणाम तय कर लीजिए कि करना क्या है। आपके पास कोई बढ़ई आया मुसलमान, कोई कार, कोई प्लम्बर आया, कोई दर्जी आया, उदास है, क्या बात है साहब, काम ठीक नहीं चल रहा, ऐसा कर 11 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में 125 रुपए का प्रसाद चढ़ा, 20 तो डालिए उसके दिमाग में। आपकी बिटिया की दोस्त है मुसलमान, उसको 3 तलाक समझाइए, हलाला समझाइए, उसके मन में। और इस्लामी भगवतियां हिंदू बनने को तैयार हैं, कोई कठिन नहीं है। कठिनाई ये, वो ये सोचती हैं कि ये स्थिर होगी कि नहीं बात। उनको इतने गर्व के साथ अपनी पुत्र वधु बनाइए, अपनी घर की बिटिया से ज्यादा सम्मान दीजिए कि जो एक बड़ा रास्ता खुले कि वो अपनी और 4 बहनों से कहे कि हिंदुओं में शादी करोगे तो जिंदगी बढ़िया चलेगी। कोई कुरान की आयत है बीवियों को पीटने के लिए, हक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू अपनी पत्नियों के लिए अच्छे हैं, ये नहीं कह रहा हूं, मगर जो धर्म का आधार है वो ये है, नारायण सूर्य से पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वह देवता निवास करते हैं। इसको जो हिंदू अपनी पत्नी के लिए दुष्ट है उसको बदलने का रास्ता है, मगर कुरान का तो क्या कर सकते हैं आप?
तो दो लोगों की शुद्धि का लक्ष्य लेकर चलिए। यहां से उठेंगे तो मन में ध्यान कीजिए कि किससे अप्रोच करनी, किससे बात करनी है, और इस्लाम पर बात करने के लिए अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद हिंदी अंग्रेजी सारी भाषाओं में है। इस काम को आप करेंगे, संघर्ष होगा, आपको इस्लाम से लोहा लेना है। तो आपके पास लोहा है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक प्रश्न है। घर में सात लोग हैं, एक छह महीने का बच्चा है, तो भी सातों के लिए लोहा होना चाहिए। हर के पास कोई निहत्ता नहीं, कोई खाली हाथ नहीं। निश्चित रूप से 9 इंच से बड़ा धारदार मूठ वाला हथियार, धारा 25 लगती है उस पर, कानून जानता हूं मैं। मगर जो लोग बहुत नियम मानने वाले हैं, जो बाथरूम में भी लेफ्ट से चलते हैं, वो बिल्कुल ना करें ऐसा। मगर जिन्हें अपने जीवन की चिंता है, वो निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करें। तीसरे, जो लोग पौरुष प्रकट करेंगे, मैं स्वयं न्यायमन चलाता हूं, बिल्कुल स्पष्ट बात है, जैसे मुझसे कहा लोगों ने, आपको ध्यान होगा उदयपुर में दो भाइयों ने उनकी बहन को, एक इस्लामी तंग करता था, उन्होंने उसको चटका दिया, तो हमने 1-1 लाख रुपया चेक से उन दोनों को दिया, दोनों बच्चों को। ये धर्म है। अभी कन्हैयालाल जी मारे गए, इसके लिए पैसा इकट्ठा किया, मैं बिल्कुल विरोध में हूं, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं, रोंदड़ू बच्चे इकट्ठे नहीं करने हैं। दर्जी, उसकी कैंची इतनी बड़ी होती है, अगर बीच का पेच खोल ले तो ये लंबे लंबे दो चाकू होंगे उसके पास। जो 4 दिन से इस्लामी जिसका पीछा कर रहे हैं, जो चिंतित है, पुलिस के पास जा रहा है, उसको इसकी चिंता नहीं कि उसको पकड़ा जा सकता है, उसको कहीं बाहर भी नहीं जाना, वो सिर्फ एक पेज खोल के कमर में लटका ले, उसका काम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, उसके परिवार की चिंता हो गई। जिसको करना है वो करे, मैं निजी रूप से इससे सहमत नहीं हूं। जिन्होंने प्रहार किया, पौरुष प्रकट किया, चाहे पहलू खान का हो, चाहे अकबर खान का हो, अकबर खान वाले केस में हम लोग गए थे और 5 बच्चे थे, 40-40 हजार रुपए चेक से और 25-25 हजार नकद, मैं निजी रूप से देकर आया। राष्ट्र दे रहा है, हम समाज को दे रहे हैं, क्योंकि जूझने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हिंदुओं ने अपने योद्धाओं, हिंदुओं ने अपने योद्धाओं की चिंता बंद कर दी है। योद्धा की चिंता नहीं करेंगे तो विजय कहां से प्राप्त होगी, तरीका कौन सा है? 3 काम, 2 लोगों की शुद्धि या 2 लोग कम करने, कैसे करेंगे आप तय कीजिए। दूसरे, लोहे की व्यवस्था, और तीसरे, जिसने लोहे का प्रयोग किया है, जाहिर है वो तुम थाना कचहरी पुलिस के चक्कर में होगा, जेल में होगा, उसकी बच्चों की फीस गई कि नहीं, उसकी बीवी तो मारी मारी फिर रही होगी, जमानत हो जाए, उसको बिल्कुल स्पष्ट समझाइए कि भगवती 302 का केस है, 1.5 साल लगेगा मुकदमा, ये हाईकोर्ट से नीचे जमानत नहीं होने वाली, इसके लिए पागल मत हो, वकील तो तुमसे कह देंगे, तुमसे पैसा ले लेंगे, नहीं होने वाला है, आराम से बैठे रहो, सेशन से तुम्हारी जमानत खारिज होगी, इसके बाद हाईकोर्ट में जाएगी तब देखेंगे। मगर उसके बच्चे भूखे तो नहीं है, उसके घर का किराया गया कि नहीं, उसके घर की बिजली का बिल गया कि नहीं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का तिलक कीजिए। हम लोग न्यायमंच के लोग जाते हैं तो उसका नियम है, बहुत छोटी राशि है 1 लाख रुपया, मगर समाज के 10 संभ्रांत लोग जाएंगे, उसके पिता या उसकी पत्नी को सेवा देंगे तो उनके पैर छुएंगे हम, वो बताएगी जाकर कि आज ऐसे ऐसे लोग आए थे, समाज के प्रतिष्ठित लोग, 10 लोगों ने मेरे पैर छुए हैं। उसके मन में अभी तक तो ये था कि मैंने क्या कर दिया, घर वालों के लिए समस्या खड़ी कर दी, एक उजाला आएगा, एक प्रकाश आएगा कि नहीं, राष्ट्र चिंता करता है अपने योद्धाओं की, और ये बनते जाएंगे तो विजय होगी। जिसको ये लगता हो ये कठिन बात है, 712 ईस्वी में जो लोग आए थे, 21वां हमला सफल हुआ, उनके भारत में एक भी सहयोगी नहीं था, फिर भी लक्ष्य था कुफ्र को मिटाना है, शिर्क को खत्म करना है, दीन का गलबा करना है, इस्लाम को फैलाना है। एक बहुत मशहूर किताब है, 2 बड़े प्रतिष्ठित लेखक हैं, डोमिनिक लेपियर और लैरी कोलिंस, फ्रीडम एट मिडनाइट, इनकी बहुत मशहूर किताब है,
ऐसी ही इनकी किताब है वो यरूशलम। 2000 साल तक यहूदियों के साथ भयानक अन्याय हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर और उसकी फौजों ने रशिया के 60 लाख से अधिक लोग मार दिए। उसी काल में स्टालिन ने 60 लाख से अधिक यहूदी मार दिए अपने। सारी दुनिया में उनके साथ अन्याय हुआ। जैसे मुसलमान विदा लेते हैं तो खुदा हाफिज कहते हैं, हिंदू राम राम कहते हैं, ऐसे 2000 साल तक यहूदी जब बिछड़ते थे तो एक दूसरे से कहते थे अगले बरस यरूशलम में। 2000 साल तक ये लॉ चलती रही और उसके बाद प्रस्फुटित हुई, उनका देश उनको मिला। तेरी हालत बदल जाएगी तय है, तेरी हालत बदल जाएगी तय है अगर आंखों में सकना जाग जाए। जय हिंदू राष्ट्र। क्या है, मैं गंगोत्री से गंगा सागर की जगह गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ आता हूं। कोई भी काम होता है तो उसका कारण होता है। गांधी का वध नाथूराम जी ने किया क्यों? पागल थे, विक्षिप्त थे, अपने एक शहर के नहीं, पुणे के रहने वाले। गांधी ने अपनी उनकी बहन बेटी बहू परिवार की किसी महिला के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे। लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं, गांधी ने ये 37 लड़कियां हैं, एक दो नहीं हैं जिनके साथ गांधी नंगा सोया है, और ये सब गांधी के अपने वांग्मय में है। मैं उसके जो बॉयफ्रेंड था ये था वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाद वाली की बात कर रहा हूँ। ये सब रिकॉर्ड में है, ऐसा कुछ नहीं किया। गांधी ने कोई संपत्ति हड़पी, जमीन मार ली, कुछ ऐसा नहीं। तो इतना बड़ा काम किसी के प्राण देने के लिए, और सामान्य व्यक्ति नहीं है, छोटा सा सही मगर एक अखबार निकालता है, उसका संपादक है, और उसने तय किया किसको। जो आपने कहा इसे प्रश्न की शक्ल में, मुझे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, 5 वर्ष पहले सोशल मीडिया के थ्रू संपर्क हुआ था ऐसे ही। सावरकर जी के पोते हैं, मेरा परिचय कभी नहीं था उनसे, सात्यकी ने मुझसे मैसेंजर के थ्रू या कोई फेसबुक के थ्रू मेरा नंबर मांगा और एक फोन आया और कहा कि दादा को अन्ना कहते हैं या क्या कहते हैं मराठी में, बड़े भाई को, उनसे बात करेंगे, कराइए। तो उधर से आया, मैं अजिंक के गोट से बोल रहा हूँ। उनका कहें, बोले मैं गोपाल गौडसे जी का पोता हूँ, नाथूराम गौडसे जी का पोता। हमने इस वर्ष के नाथूराम गौडसे पुरस्कार के लिए आपका चयन किया है, आप आ सकेंगे? आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे भल भल आंसू बहने लगे, गला रुंध गया। ये तो आपके पास आना तो गंगा स्नान है, तीर्थ यात्रा है, जरूर आऊंगा। वहां ये प्रश्न किसी ने पूछा था उससे अंत में प्रश्नोत्तर काल में इसी बात को। तो ये काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये निश्चित है कि गांधी उस समय नहीं मारा जाता तो गांधीवाद की मौत हो गई होती, सारे राष्ट्रवादी चिंतन को बुरी तरह से दबोच लिया गया। इतनी बुरी स्थिति आई, हमारे पीछे गुरु जी का चित्र लगा हुआ है, डॉक्टर जी का चित्र लगा हुआ है। गुरु जी के काल में प्रातः स्मरण में गांधी का नाम डाला गया। हमने अपनी स्किन सेविंग एक्सरसाइज में ये तक किया, मगर ये बात, ये लॉ, ये दिया, ये मशाल हम सबके अंदर थी। गांधीवाद क्यों, हमने संघ कार्यालय से ही पढ़ी। एक बहुत मशहूर किताब है आरएसएस के जो सर कार्यवाह थे, एचवी शेषाद्री, उनकी और देश बढ़ गया, ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, पूरा विस्तार है कि कैसे कैसे हिंदू पौरुष नष्ट किया गया। कल्पना करें, आज बंगालियों के लिए एक मुहावरे बनाए जाते हैं कि बंगाली गड़ा गुमा उखाड़ता है, यानी किसी को मारना हो तो कहे दीवार में लगे हुए ईंटों को निकालने के लिए कहेगा इसे मैं निकाल के मारूंगा, यानी उसको कायर समझा जाता है। ये वही बंगाली है जिसने बंग भंग हुआ तो इतना बड़ा उपद्रव खड़ा करा, इतना विप्लव खड़ा किया, 15-15 14-14 साल के लड़के,
पफुल्ल चाकी 14 साल के थे, खुदीराम बोस 15 साल के थे। चटगांव का सूर्यसेन मास्टर सूर्यसेन का जो विद्रोह है जिसमें पूरा पूरा शस्त्रागार अंग्रेजों का कब्जा कर लिया, 10वीं के विद्यार्थी हैं सारे, मार मार भुज भर दिया। न भूतो न भविष्यति, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लानी पड़ी, जान की इतनी संकट आ गया और फिर भी चैन से नहीं बैठे, दिल्ली में बम फेंकने आए। ऐसा पौरुषवान समाज सन 46 में डायरेक्ट एक्शन हुआ और स्त्रैण बनकर रह गया, नपुंसक बनकर रह गया। कारण कि राजनैतिक रूप से जो मानस था, दिमाग था, लीडरशिप थी, वो गांधी में शिफ्ट हो गई और उसने हिंदू समाज को प्रत्येक प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया, जिसकी चरम परिणति वंदे मातरम का विषय हो, उर्दू का विषय हो, हर प्रकार से हिंदुओं की दुर्गत करी गई और अंत में यह हुआ कि हम साथ नहीं रह सकते, देश बांट दिया जाएगा। ये एक ऐसा पाप है कि भगवान राम भी करें तो उन्हें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। पूज्य मातृभूमि का विभाजन, यह राष्ट्र वेदों से भी पहले से आ रहा है, वेदों में इसका गुणगान है, मगर यह तो अनंत काल से, इतिहास जहां समाप्त हो जाता है उससे पहले से हम चले आ रहे हैं। इसका विभाजन, इसके विभाजन के महापाप के करने वाले व्यक्ति को स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरने देंगे हम। जिनको इसका अनुमान न हो तो उसके लिए जानकारी दे दूं, अंग्रेज इस पाप को अपने माथे नहीं रखना चाहते थे। अंग्रेजों ने, वायसराय ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी, चूंकि सरकार में दो लोग थे, ध्यान रहे नेहरू प्रधानमंत्री 1947 से पहले बन गया था ब्रिटिश पीरियड में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जो दोनों की वर्किंग कमेटी थी, उनको पारित करके देना था कि विभाजन होगा, मुस्लिम लीग ने पारित कर दिया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव गिर गया, कई लोग थे जिन्होंने विरोध किया, गांधी ने कमान संभाली, लोगों को चुप कराया और फिर दोबारा वोटिंग कराई, तो वो पूरी पीढ़ी जितने मौजूद थे सबके सब दुष्ट हैं, चांडाल हैं, सारे जिम्मेदार हैं, मगर जो आखिरी प्रहार किया वो गांधी ने किया। तो इस व्यक्ति के इस पाप का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको दंडित करने की कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। देश के विभाजन करने वाले पाप को, करने वाले पापी को दंडित करने का कोई कानून नहीं है, तो हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे और इसको करने में नष्ट हो जाएंगे। आपको आनंद आए पढ़िएगा, मेरे पास तो उपलब्ध हैं और वैसे उनके साइट्स में हैं। नाथूराम जी ने जो पत्र लिखा है जेल से अपने पिता को, वो पढ़ने वाला पत्र, अद्भुत पत्र है। वो कहते हैं अपने, क्योंकि ये कानूनी मामला है, जिसको सरकार हैंग करती है, फांसी देती है, उसके शरीर पर सरकार का अधिकार तो होता, परिवार का अधिकार नहीं होता, सरकार जैसे चाहे उसको विस्तार। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हें अपने भाई को, गोपाल गोडसे को, कि मेरे मरण के बाद मेरा अंतिम संस्कार करने का अधिकार हो, तो मेरे एशेज को, अस्थियों को या उसके कुछ भाग को तब तक सुरक्षित रखना जब तक सिंधु नदी परम पवित्र भगवत ध्वज के तले वापस अखंड भारत में न बहने लगे। यह आज का काल नहीं है, 40 का दशक है। चित्तपावन ब्राह्मण, छुआछूत मानने वाले लोग, सोपाकी लोग अपना खाना खुद बनाएंगे। उसने वसीयत की, विल की, कि मेरा अंतिम संस्कार होगा, श्राद्ध नहीं होगा, मैं प्रेत बनूंगा, भटकूंगा तब तक जब तक अखंड भारत परम पवित्र ध्वज इस पर नहीं लहराता। उसकी जिजीविषा, उसकी तेजस्विता, उसकी राष्ट्र के प्रति ललक जो मानसिकता है वो अतुलनीय है। छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं, ये राजस्थान में खड़े होकर बोलना मार खाने का काम है, मगर सच तो बोलूंगा, इसी के लिए मैं बदनाम हूं। छत्रपति सत्ता है, पूर्वजों की रियासत है, राणा जी की पूर्वजों की रियासत है, इसको क्या मिलना है बलिदान होके,
इसको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल धर्म। तो अगर इसकी अगर आप राष्ट्र भक्तों की कोई श्रृंखला बनाएंगे, कोई सूची बनाएंगे, तो पहले नंबर पर आएगा ये व्यक्ति, ये दोनों लोग जिन्होंने प्रहार किया। कल्पना करें, ये लोग, इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको व्यक्तिगत देता हूं। इनको जब दिल्ली में पकड़ लिया गया, पुलिस वालों ने मारा पीटा, इनका दांत टूट गया, फिर उनकी समझ में आया कि उनके करने का काम नहीं है। पंडित रामेश्वर दयाल मेरे पिता के नाना थे, उस समय डिप्टी कमिश्नर वहां की दिल्ली के, इसलिए मुझे इनसाइड स्टोरी मालूम है कि वहां क्या क्या हुआ था। तो उनसे अंग्रेजों ने पूछा कि आपने ऐसा ऐसा जब सारी बैन ली है, सॉरी भारतीय पुलिस ने जो बैन ली है, तो उन्होंने बताया कि हम चित्पान ब्राह्मण हैं, जिस मोहल्ले में कसाइयों की तरफ से खून नालियों में बह के आता वहां नहीं जाते। तो पहले हमने उन गलियों में जाना शुरू किया, फिर मुर्गा मार के देखा हम मार लेंगे नहीं, फिर बकरा अपने हाथ से काटा, फिर बकरी की खाल उतारी, फिर भैंसे कटते देखे, जब पक्का हो गया तब फिर दिल्ली आए। ये एक प्रोसेस था, वही 9/11 वाला कि 22 लोगों ने तय किया कि ट्विन टावर उड़ा देंगे। धर्म के लिए इसी ललक की, इसी जिजीविषा की आवश्यकता है। कई बार लोगों को डर लगता है, मैं बोल रहा हूं आशंका भी है, इसकी मृत्यु हो सकती है, अपघात हो सकता है, हत्या हो सकती है। इसका दूसरा प्रश्न, अगर आज नहीं मारा जाऊंगा, 61 वर्ष का हूं, तो 1500 साल जीऊंगा, क्या हो जाएगा? राणा प्रताप, इतना तेजस्वी नाम है, 3 पीढ़ी पहले के उनके परदादा का नाम मालूम है किसी को? भगवान राम के 4 पीढ़ी पहले के दादा का नाम मालूम है किसी को? मगर नाथूराम जी के लिए किसी ने प्रश्न किया। स्वामी श्रद्धानंद का नाम मालूम है? बल्कि बहुत सामान्य व्यक्ति इसी कारण से उठ के, कमलेश तिवारी स्वामी श्रद्धानंद के बगल में जाके खड़ा हो गया। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, यही सत्य है। जय हिंदू राष्ट्र। क्या प्रश्नोत्तर लेने हैं? जी माइक। हेलो, आपका उद्बोधन बहुत सुंदर था जी, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि आपसे प्रश्न पूछूं। हर एक धर्म का उद्देश्य होता है समाज का कल्याण, मेरे ख्याल में इसमें किसी कोई विरोध नहीं है। नहीं, 100% बात गलत है आपकी, बात ही गलत है, बात ही गलत है, सिरे से गलत बात है। तो हर एक धर्म से अभिप्राय आपका, इस्लाम, ईसाई वगैरह है, वो बिल्कुल सिरे से गलत बात है। आप इस्लाम को समझे बगैर, ईसाई को समझे बगैर बोल रहे हैं। मैं इस्लाम को नहीं, मैं सारे धर्मों की बोल रहा हूँ। गलत बात है, सिरे से गलत बात है, तो आप इसको शुद्ध कर देना। बैठे विराजे, मैं बात नहीं, उसके अतिरिक्त और प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा धर्म तो नहीं कहूँगा, क्रिश्चियनिटी के बाद में इस्लाम आता है, क्या इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो सही सोच सके और इस्लाम के विरोध में बोल सके? एक प्रश्न तो ये था। दूसरा मेरा प्रश्न ये था, ये टॉल ऑर्डर हो गया, दो बातें हो गई, आप विराजे इनका उत्तर देने दें। ये एक सामान्य राजनीतिक मामला है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। कमल का पर्यायवाची लोटस है, कैसे कि कमल के और लोटस के गुण एक हैं। लोटस का मतलब कटीला कोई चीज हो, तो फिर कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। एक तो ये शब्द सब धर्म एक हैं मूलतः गलत है, धर्म केवल एक है और उसका उपासना पद्धति से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में हैं, उसका इससे बिल्कुल लेना देना नहीं कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, नहीं करते, आत्मा को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते। धर्म भिन्न प्रकार की चीज़ है। मान्यवर का यहाँ अभिप्राय ये है, इस्लाम, ईसाइत, हिंदू, ये सब समान हैं। ये राजनीतिक धारणा है, इस्लाम कुफ्र और ईमान की धारणा से ग्रसित है। वो जिसे तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज मानता है, वो मुसलमान है, और उसके अलावा सारे लोग शत्रु हैं, उनको नष्ट करना है।
इतनी देर में ये बात करके चुका हूं तो ये बात समझ में आनी चाहिए, आप मुसलमानों को सामान्य, वो एक माफिया है, उसको इस तरह से नहीं देख सकते, एक बात। दूसरा आपने प्रश्न क्या किया था? ठीक, जो मोहम्मद को माने, मोहम्मद की सुन्नत को माने, इस्लाम में ऐसा काल आया है, मोतजले हुए हैं जो ये खलीफा हारून रशीद और इनके काल का लोग हैं, ये बहुत गहरे बौद्ध प्रभाव के लोग हैं। उसी समय पंचतंत्र का अनुवाद हुआ कलीला दमना नाम से, आयुर्वेद से यूनानी बनी वगैरह वगैरह। उन लोगों ने कुरान को रद्द किया, ये कहा कि एपिक है, इससे ज़रा कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति मुसलमान रहते हुए यानी इन पांचों चीज़ों में विश्वास करते हुए समझदार नहीं हो सकता, ये होना या न होना है, आप इससे इनकार कर सकते हैं। सचवाला है, सचवाला का चैनल देखिए, मज़ा आएगा आपको। साहिल है, समीर हैं, ये एक्स मुस्लिम्स हैं जिन्होंने दीन को छोड़ दिया है। आप दीन में रह के भले नहीं रह सकते, ये हो सकता है कि आपको दीन की सही जानकारी ना हो, पूरी तरह से बदलाव अभी उनके अंदर नहीं आया हो, मगर आप सोचें कि मुसलमान रहकर कोई भला आदमी होगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मानसिकता बड़ी भिन्न है। और कोई प्रश्न किसी का है या फिर ओके जी कहिए। जी, मुझे ध्यान है, माइक दीजिएगा भाई साहब, माइक पकड़ाइए आपके हाथ में। सर, मैं डॉक्टर गौरव गुंबर, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ बीकानेर में। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो यंग जनरेशन से जैसे हम लोग बात करते हैं, ये लोग आज भी अगर अपन देखें तो 20 से 30 साल की उम्र के लोग अपन को इसमें अपन को नहीं मिलते, उनकी रुचि नहीं है इसके अंदर। तो हमें जो जैसे हम बात करते हैं, वो जैसे मेरा बेटा भी है 24 ईयर्स, जैसे उनसे बात करते हैं तो उनको बड़ा मुश्किल होता है समझाना, वो स्यूडो सेकुलरिज्म के अंदर जकड़े हैं, उनको ये बताना कि ये गलत है सही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इन लोगों को, क्योंकि भारत का भविष्य तो यही है सर, तो ये इंटेलेक्चुअल क्लास है जो पर्टिकुलरली 20 से 30 साल के बीच की जो लोग हैं, इन लोगों को इस मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए सर, ये एक चैलेंज है। ये समस्या न केवल हिंदुओं की है, ये इस्लाम की भी है, क्रिश्चियनिटी की भी है। नई पीढ़ी जो हार्मोन्स जिनके बड़े प्रबल होते हैं, वो भिन्न प्रकार से सोचते हैं करते हैं, इसका एक तरीका जो एकमात्र तरीका है एजुकेट करना, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद मैंने किताब के बारे में बताया, इसको पढ़िए, और बहुत सारे अब सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत दूर तक बात पहुंच रही है। उनको एक बात समझने की है जो उनके ध्यान में आनी चाहिए कि इस रास्ते पर जिस पर वो जाना नहीं चाहते या जिसे इग्नोर करना चाहते हैं, उस रास्ते का पर न जाने का परिणाम, मैं कई बार बोलता हूँ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सिविल वॉर, ये बात बेसिकली गलत है। सिविल वॉर की तरफ हम नहीं बढ़ रहे, सिविल वॉर हमारी तरफ बढ़ रही है। जैसे लोग आज राजस्थान में बड़े बड़े व्यापारी हैं, सिंध के व्यापारी इससे कहीं बड़े थे, बॉम्बे की फिल्म लाइन बेसिकली है लाहौर की फिल्म लाइन है, शुरू के सारे लोग पंजाब के ही थे, वो सारे कैसे आए, मूल तो वहां के लोग हैं, बहुत धनाढ्य लोग। क्या हुआ 47 में लाहौर का तय नहीं था कि ये पाकिस्तान में जाएगा या भारत में जाएगा, 3-4 जगह गड़बड़ हुई है। चट्टोग्राम ये हिंदू बहुल था, थर पारकर ये हिंदू बहुल था, लाहौर हिंदू बहुल था, जो हमारे पास आने थे खाली नहीं हो रहा था। लाहौर के गुंडों ने, चूंकि हिंदू बहुल था, लाहौर के गुंडों ने 50-60 हिंदू लड़कियां महिलाएं उनका नंगा जुलूस निकाला। आप रुके ना रुके, वो स्थिति आ रही है, ये होना है, इसका कोई विकल्प नहीं है, उनकी जानकारी में होना चाहिए। उसके बाद लाहौर से विस्थापन शुरू हो गया, हिंदुओं को लगा, चूंकि सारी की सारी फोर्स बलूचिस्तान पे भी बड़ी जोरदार बात की है, बलूच रेजिमेंट सबसे ज्यादा दुष्ट थी जिसने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है, सबसे भयानक अत्याचार इन कमबख्तों ने किए हैं, जो आज तड़प रहे हैं हिंदुओं के साथ, सबसे ज्यादा परेशान इन्होंने किया था, क्योंकि वहां फोर्सेज उन्हीं की तैनात थी। ये तो सावरकर जी का धन्यवाद दीजिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले उन्होंने सारे भारत का दौरा किया,
रियासतों का दौरा किया और बड़े पैमाने पर फोर्सेस में हिंदू भर्ती कराए। वो देख सकते थे कि इस विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज टिकेंगे नहीं और मुसलमान बहुल सेना है, अगर हिंदू बहुल हो जाएगी तो हथियार हिंदुओं के पास आ जाएगा। जैसे अग्निवीर अब योजना आई है, ये कार्य करने का है। और हम धीरे धीरे, क्योंकि लोहा लेना है तो लोहे की तैयारी, इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं। तो आपको ध्यान होगा आज से कुछ 4-5-6 साल पहले व्हाट्सएप पे ढेरों वीडियो आ रहे हैं, कटर से गले काट रहे हैं और चाकुओं से मार रहे हैं, ये सारे आईसिस के लोगों के गोलियां मार रहे हैं, वो वीडियो सबने देखे हैं। इस्लाम के खिलाफ सारी दुनिया में एक धारा बह रही है, उसका कारण वो खुद हैं। जब वो गले काट रहे थे तो वीडियो बनाने के लिए मैं नहीं था, आप नहीं थे, उन्होंने खुद बनाए हैं लोगों को आतंकित करने के लिए। आईसिस के काम हैं वो, दाइश के काम हैं। इसके परिणाम आ रहे हैं, संसार भर में स्थिति आ रही है। ये गति और बढ़े इसके लिए, जैसे आज हम लोग बरसात के कारण थोड़ी कम संख्या में इकट्ठे हैं, ऐसे कार्यक्रम कीजिए, लोगों के अंदर विचार फैले, यही ये तरीका है। और कोई प्रश्न? तो एक प्रश्न बस, माइक दीजिए, क्योंकि अब 10 बज रहे हैं, घर भी जाना है। नमस्कार चतुर्वेदी जी, मैं रजनीश त्यागी हूँ और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल को देखता हूँ, जयपुर डायलॉग्स को देखता हूँ और आपसे प्रेरणा लेता हूँ। और आप तो तब के हैं जब हमारे इन आक्रांताओं ने जब हमारे वेद और पुराण और तब जब ख़त्म कर दिए, तो जो हमारे गुरु थे उन्होंने उन शिष्यों को जो पढ़ पाए, जो 2 वेद पढ़ पाए वो द्विवेदी बने, जो 3 पढ़ पाए वो त्रिवेदी बने और जो 4 पढ़ पाए वो चतुर्वेदी बने। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल जो है, मैं अपने मूल सवाल पे आता हूँ। आपने बात की कि भाई हमें अपना पौरुष दिखाना पड़ेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जब मुसलमानों के साथ बात होती है तो उनके जो लॉजिक्स हैं उनके कंठस्थ हैं चीज़ें। हमारे लोगों को, हम परंपराओं के बेस पे अपने बच्चों को पालते हैं। 1947 से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री रही है यहाँ की, और आपको पता है किस तरह के मिनिस्टर्स रहे हैं सारे के सारे। प्रश्न पहले, हमारे यहाँ रिलीजियस स्टडी नहीं है। मैं बाहर रहता हूँ, आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कि रिलीजन को, जैसे अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री है वो अपने रिलीजन को पढ़ाता है, बचपन से पढ़ाते हैं, और उनके अंदर एक वो लॉजिकल एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है। अगर आप मुस्लिम कंट्री में जाओगे तो वहाँ तो है ही ये चीज़। हमारे यहाँ पे 1947 से सो कॉल्ड एक सेकुलरिज्म के नाम पे जब बच्चों को आप अपने धर्म के बारे में नहीं पढ़ाओगे, अब आदर्श विद्या मंदिर है पर लिमिटेड है, जब एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ बच्चे, नई जो जनरेशन है, अपने धर्म के बारे में नहीं पता होएगा। हमें बस ये पता होता है कि दिवाली पे पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, होली पे रंग चलाते हैं, रक्षाबंधन का यह त्यौहार है। प्रश्न मेरा ये है कि ये हम कैसे बदलाव ला सकते हैं कि सरकार को मनाया जाए कि रिलीजियस स्टडीज को हमारे यहाँ बचपन से, जब बाबर पढ़ते हैं हम, हुमायूं को पढ़ते हैं हम, अकबर को पढ़ते हैं, मैंने अपना बचपन उनको पढ़ते हुए निकाला, पर रिलीजियस स्टडी नहीं होती, तो उसके लिए क्या आरएसएस कर रहा है और क्या संगठन कर रहे हैं? देखिए, कुछ वैचारिक प्रश्न जिनके करने के हैं उनसे पूछने का है। हमारे जो हिंदुवादी संगठन हैं उनकी एक अजीब सी भ्रांत धारणा है कि समाज जागरण करेंगे। मैं इस विषय को जानता हूँ, मैं एक बढ़िया किताब लिखता हूँ आर्य बाहर से आए, इस पर किसके खंडन में 1000 कॉपी छप जाएगी, 2000 कॉपी छप जाएगी, एनसीआर में रहता हूँ, 3-4-5 साल में वो किताब बिक जाएगी 2000। उतने समय में 3-4-5 साल में 5 लाख बच्चे ये पढ़ के तैयार होंगे कि आर्य बाहर से आक्रमण करने आए थे। तो ये कार्य करने का HR मिनिस्ट्री का है। दुर्भाग्य है कि HR मिनिस्ट्री के, पिछला जो हमारा मिनिस्टर था उसका वक्त ने ये कहा कि एक कौमा तक नहीं बदला गया है। अगर कौमा नहीं बदला है तो तुम्हें किसके लिए लाया था? घूस खाने के लिए, मास्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे बनाने के लिए? तो ये काम मूलतः राजनीतिक दल का है।
भाजपा का है, उनके लोगों पर दबाव डालिए, हमारी जिम्मेदारी भी है। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा, मगर मैं आश्वस्त हूँ कि आप में से किसी के ध्यान में ये नहीं आया होगा कि 10 लोग इकट्ठे होकर अपने स्थानीय एमएलए के पास जाएं और उससे कहें कि ये बदलाव कराओ, एमपी के पास जाएं उससे कहें कि इसके लिए महाज एक आंदोलन छेड़ो। हम समस्या देखते हैं और उस समस्या के समाधान के लिए दबाव क्रिएट नहीं करते। एमएलए को इसकी चिंता नहीं है कि अगले चुनाव में ये जो 10 लोग मेरे खिलाफ पास बात करने आए थे ये 100 हो गए मेरे खिलाफ आंधी क्रिएट कर देंगे। एमपी को उसका डर नहीं है। भाजपा के ऊपर ये है कि अगर हिंदू हमें वोट नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ, ये सिरे से। और मैं सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। आडवाणी जी के बड़े निकटस्थ व्यक्ति थे दीनानाथ मिश्रा, जो सांसद थे, उनके दाएं हाथ थे। मैं दीनानाथ जी मिश्रा का दाएं हाथ क्या, मैं दाएं टांग भी था उनका, बड़ा निकट में थे, हम लोग रोज देखते थे तमाशे उनके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदू हमें वोट नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ। ये भय होना चाहिए। हम वोट आप ही को देंगे मगर कपड़े भी आप ही के फाड़ेंगे। हमारे मोहल्ले में वोट मांगने आए तो तय समझो कि कूड़ा डालेंगे, पानी फेंकेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। दबाव क्रिएट कीजिए, राजनीतिक बदलाव आए। राजनीति एक माध्यम है, टूल है बदलाव लाने का। ये मानसिकता होगी तो बदलाव आएगा, होना ये राजनीतिक सत्ता से है। अनुमति जी। ठीक है, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।